नमस्कार, इस वीडियो में हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डी टू ए कन्वर्टर आपने पढ़ा होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जैसा कि हम जिसे डी टू ए बोलते हैं और ए डी सी बोलते हैं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है साइड में, अ 8-bit डी टू ए कन्वर्टर हैज अ फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। द आउटपुट वोल्टेज व्हेन द इनपुट इज 110 110 011 विल बी। आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, विजिबल हो रहे हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपको दिया क्या क्या है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आपको एन बिट दी गई है दोस्तों, एन इक्वल्स टू 8-bit दिया गया है, ओके। और आपको फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज दिया गया है, ओके, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज ये दिया गया आपको 20 वोल्ट, क्लियर है। और आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है जब आपको इनपुट 110 110 11 दिया गया है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एनालॉग आउटपुट इक्वल्स टू स्टेप साइज इनटू डिजिटल इनपुट। ये आपको याद करना होगा, एनालॉग आउटपुट इक्वल्स टू स्टेप साइज इनटू डिजिटल इनपुट। एक ये भी होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू स्टेप साइज इनटू नंबर ऑफ स्टेप, ओके। तो हम उस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है वो फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट, यानी कि जो 20 वोल्ट आपको दिया गया है यहाँ पर, ये 20 वोल्ट की जो कंडीशन है वो एनालॉग वैल्यू दी गई है, ओके। 20 स्टेप साइज आपको नहीं पता, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं स्टेप साइज। डिजिटल इनपुट आपको 8-bit दिया गया है दोस्तों, 8-bit का मतलब हो गया है आपको सारी जो 8-bit हैं, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर होगा आपका n, यानी कि हम बोल सकते हैं 8। तो 2 की पावर 8 अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 256, ओके। कितना मिलता है दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है 256। तो k इक्वल्स टू 20 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 256, ओके। हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर 256 हो जाएगा। अब हमें इसमें निकालना है, जैसे हम लोग नॉर्मली के लिख दिया मैंने यहाँ पे, अब हमें निकालना है आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट इज 110 110 011, ओके। तो आउटपुट वोल्टेज हम इसमें सेम फॉर्मेट लगाएंगे, तो आपको आउटपुट बताना है, ठीक है। ये न्यू आउटपुट आपको बताना है, स्टेप साइज आपको के दिया गया है, डिजिटल इनपुट के लिए आपको लेना है डेटा 110 110 011। पहले आपको 8 दिया था, यानी कि लास्ट वाली जो 8 वाली बिट होती है वो 1 है, बाकी 0 है, तो 2 की पावर 8 हम नॉर्मली बोल देते हैं। इसी सॉल्व करेंगे आप, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको दिया आउटपुट निकालना है, ये दिया 20 अपॉन 256। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपको 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 का करेंगे तो 0 होगा, फिर 2 की पावर 3 का करेंगे तो आपको मिल गया 8, फिर इसमें करेंगे तो 16, फिर इसमें तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 32 में 64 मिलेगा आपको यहाँ पे, और फिर आपका आ गया 128। दोस्तों अगर आप इसे ऐड करेंगे और इसका टोटल सॉल्यूशन करेंगे, तो जैसे 3 हो गया, 3 8 आपका हो गया 11 11, और ये हो गया 27 27, आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका आ गया 91, क्लियर है, 91। और आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 91 और ये 9 और ये 219, ओके। जब आप इसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17 वोल्ट आंसर, क्लियर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 17 वोल्ट आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना था, ओके। आपको एन बिट दिए थे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इस स्थिति में इतना था, तो इसमें पूछा था कि एनालॉग आउटपुट क्या होगा जब डिजिटल इनपुट इतना हो जाए। तो इससे हमने स्टेप साइज निकाला नॉर्मली, और स्टेप साइज इसमें रखा, ये वैल्यू रखी, आंसर नॉर्मली प्राप्त कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी जो RVUNL का पेपर होने वाला है आपका, राजस्थान वाला, ठीक है, JEE और AE का बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और इससे पहले चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और वीडियोस में बनाऊंगा, और भी
डिटेल आपको दूंगा और आप इसे पढ़ते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसमें लिंक कर दूंगा, आप देखते रहिएगा।